आज की वीडियो में हम लोग एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे, जिस भर्ती में लगभग 23,000 के आसपास पोस्ट हैं। और इस भर्ती के लिए आपको किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ना तो इसमें आपको कोई एग्जाम देना है, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा इसमें। अब इसमें हम लोग जानेंगे कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या फीस है, सारी डिटेल में जानेंगे, और कौन से राज्य की ये वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिया है राजस्थान के विभिन्न नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी बंपर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कुल 23,820 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 अक्टूबर 2024 से आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। यानी कि टोटल पोस्ट आपके 23,820 पदों के लिए 7 अक्टूबर से आपको जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे तो दिया राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। हमने पहले बताया था कि इसमें आपका कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो दिया राजस्थान नगर पालिका, ठीक है, नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 185 नगरीय निकाय में निकायवार विज्ञप्ति कुल सफाई कर्मचारियों की जो है 23,820 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है तो नोटिफिकेशन 27 सितंबर 2024 को जारी कर दिया है। उसके बाद यहाँ दिया राजस्थान नगर निगम सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 6 नवंबर 2024 रात्रि 23:59 पर जो है तक किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी 7 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 6 नवंबर तक आपको भरना होगा, ठीक है, लास्ट डेट होगी 6 नवंबर। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि आपकी जो आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यानी आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो कम से कम आपकी एज जो है 18 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है 40 वर्ष होनी चाहिए, और इसकी गणना जो है 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सैलरी के बारे में बताया कि सैलरी कैसे मिलेगी, ये सारी प्रक्रिया होगी, और चयन की प्रक्रिया क्या होगी आप यहाँ पे जान सकते हैं। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा, ठीक है। लॉटरी प्रक्रिया के जरिए इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसके लिए ना तो कोई क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपको कक्षा 8 हाई स्कूल इंटर पास होना चाहिए, यानी आप पढ़े भी ना हो तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा ही इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेरिट तो इसमें बनी नहीं सकती क्योंकि क्वालिफिकेशन इसमें मांगा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसमें फीस की बात कर लें कि फीस कितनी है, ठीक है। तो इसकी फीस जो है जनरल की है 600 रुपये, बाकी जो है एससी एसटी ओबीसी की है 400 रुपये, ठीक है।